लगभग 1000 एपिसोड और 20 से भी ज़्यादा मूवीज़ के बाद ऐश कैचम एक पॉपुलर चेहरा बन गया है पूरी दुनिया के पोकेमॉन लवर्स के लिए। ऐश का सपना था कि वो सभी पोकेमॉन्स को कैच करे। ऐश ने काफ़ी सारे पोकेमॉन्स को पकड़ा है और उसने पोकेमॉन की एक ताकतवर सेना बना ली है। आज हम बात करेंगे उसके टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स के बारे में, जिसमें स्पेशली उनकी बैटल्स और उनकी विनिंग रिकॉर्ड्स की बात की जाएगी और किस तरह के ओपोनेंट्स को उन्होंने हराया है और उनके पास कौन कौन से स्पेशल मूव्स हैं। इन्हीं बातों को लेकर हम उसके टॉप 10 पोकेमॉन को रैंक करेंगे। इनमें से कुछ ऐसे भी पोकेमॉन हैं जिनका अभी तक हमें फुल पोटेंशियल नहीं देखने को मिला है, लेकिन वो भी इस लिस्ट का हिस्सा होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 10, ग्लेली। ग्लेली इस लिस्ट में 10th पोजीशन पर आता है। ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि ग्लेली ऐश का एक लौता आइस टाइप पोकेमॉन है, क्योंकि ऐश ने लैप्रस को ऑरेंज आइलैंड पर छोड़ दिया था। इस पोकेमॉन का रिकॉर्ड इसकी स्ट्रेंथ को दिखाता है। इवॉल्व होने के बाद इसने कोई भी 1-on-1 बैटल नहीं हारी है। ग्लेली को उसकी पहली विक्ट्री ग्रैंड कॉन्फ्रेंस में मिली थी चारिज़ार्ड के खिलाफ। ग्लेली ऐश का फाइनल पोकेमॉन था जब ऐश मॉरिसन से लड़ा था। उसने मेटंग को हराया था, जबकि उसने उसके बाद काफ़ी सारे इफेक्टिव हिट्स झेले थे। ग्लेली के पास काफ़ी तरह के अटैक्स हैं जो उसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बनाते हैं। नंबर 9, स्वेलो। स्वेलो ऐश का वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल पोकेमॉन है। पिकाचू और बल्बसौर के बाद एपिसोड्स के मामले में यही ऐश की टीम में सबसे ज़्यादा रहा है। स्वेलो ने ऐश को होनल लीग के क्वार्टर फाइनल्स तक पहुँचाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसने बैटल फ्रंटियर में भी अच्छा योगदान दिया है, जहां उसने स्वैम्पर्ट और विनेसोर को हराया था। होनन रीजन के ग्रैंड कॉन्फ्रेंस में स्वेलो ने लगातार 2 पोकेमॉन्स को नॉकआउट कर दिया था। स्वेलो की इलेक्ट्रिक मूव्स को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी ऐश के दूसरे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स से उसे काफ़ी अलग करती है। पिकाचू से बैटल के दौरान ना सिर्फ उसने थंडर बोल्ट अटैक को सहा था, बल्कि उसने उसे एक आर्मर की तरह इस्तेमाल किया। नंबर 8, गोडरा। गोडरा थर्ड स्टेज एवोल्यूशन है। वो ऐश का इकलौता पूरा ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है और 8 सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन में से एक है। इसका मतलब कोई भी पोकेमॉन जो अपने थर्ड या फाइनल स्टेज ऑफ एवोल्यूशन में हो और उसका बेस स्टैट टोटल एग्जैक्टली 600 हो। उसने ऐश को वोल्टेज बैच जितवाया सेलेमोन्स के लग्जरी को फाइनल राउंड में हराकर। गोडरा के पावरफुल अटैक्स में ड्रैगन पल्स, ड्रैगन ब्रेथ और आइस बीम जैसे डेवेस्टेटिंग अटैक्स शामिल हैं। नंबर 7, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल 9th और फाइनल पोकेमॉन था जिसने ऐश की टीम को ज्वाइन किया यूनोवा में और टीम का सबसे स्ट्रांग पोकेमॉन था। पर ऐश की यूनोवा टीम इतनी बड़ी थी कि किसी पोकेमॉन को अपना फुल पोटेंशियल दिखाने का मौका नहीं मिला। क्रोकोडाइल का विनिंग रेट वन ऑफ द हाईएस्ट विनिंग रेट में से एक है। उसका विनिंग रेट लगभग 75% है। इस तरह से वो अपने मैचेस जीतता है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। क्रोकोडाइल को उसकी पहली विक्ट्री आयरिस के ड्रैगनाइट के खिलाफ मिली थी। उसके स्पेशल मूव्स में डिग, ड्रैगन क्लॉ और स्टोन एज जैसे पावरफुल मूव्स शामिल हैं। नंबर 6, स्नोरलैक्स। स्नोरलैक्स ने भले ही लेजेंडरी पोकेमॉन को नहीं हराया है, पर ऐसा भी नहीं है कि वो हरा नहीं सकता। स्नोरलैक्स ने इम्पॉसिबल सिचुएशन को काउंटर किया है और ज़्यादातर अपने मैचेस भी जीते हैं। ऐश हमेशा उसे इंटेंस बैटल्स के लिए बचा के रखता है। उसने अपना सबसे इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस तब दिया था जब उसने 6 मूव्स दिखाए थे ऐश के गीटा के साथ मैच के दौरान कैंटो बैटल फ्रंटियर में। ऐश के किसी भी पोकेमॉन ने 4 से ज़्यादा अलग अटैक्स नहीं दिखाए हैं। स्नोरलैक्स ऐश का सबसे डिपेंडेबल पोकेमॉन में से एक है। नंबर 5, पिकाचू। पिकाचू ऐश के टॉप 5 पोकेमॉन में से एक है, क्योंकि ऐश पिकाचू को कभी भी किसी बैटल में बिना लड़ाए नहीं रह सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पिकाचू स्ट्रांग नहीं है। पिकाचू पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड से ऐश के साथ बैटल लड़ रहा है, फिर भी इतने सारे मैचेस लड़ने के बाद भी उसका विनिंग रिकॉर्ड 60% है और इन 60% विक्ट्रीज में 3 सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन भी शामिल हैं। पिकाचू ने ड्रैगनाइट को ऑरेंज लीग में हराया था और मेटाग्रोस और ट्रायंटार भी उसके आगे नहीं टिक सके थे। उसने लेजेंडरी पोकेमॉन को भी हराया है और लैटियोस के साथ उसका मैच ड्रॉ भी रहा है और उसकी लुकारियों के ऊपर विक्ट्री को भी हम नहीं भूल सकते, जो उतना ही लेजेंडरी पोकेमॉन था। पिकाचू ऐश के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से एक है, इसी वजह से वो इस लिस्ट में टॉप 5 में है। नंबर 4, स्कैप्टाइल। ऐश के स्कैप्टाइल की बात करें तो सबसे ज़्यादा यादगार विक्ट्रीज एनमे में इसी पोकेमॉन के हैं, जहाँ इसने डार्क राय जैसे पोकेमॉन को हराया था। डार्क राय उससे पहले कोई भी बैटल नहीं हारा था, लेकिन स्कैप्टाइल ने उसे एक सिंपल लीफ ब्लेड से हरा दिया था। अब तो वो मेगा एवोल्यूशन को भी हासिल कर चुका है।
तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो ऐश के सबसे पावरफुल पोकेमॉन में से एक है। नंबर 3, इन्फिनेप। इन्फिनेप ने लगभग अपने सारे मैचेस जीते हैं। इन्फिनेप का विनिंग रिकॉर्ड सबसे इंप्रेसिव है, उसका विनिंग परसेंटेज 83% है, ऐश के किसी भी पोकेमॉन से ज़्यादा। ऐश और इन्फिनेप का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इन्फिनेप का ब्लेज जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो नियरली अनबीटेबल हो जाता है और किसी भी स्ट्रांग अटैक को सह सकता है। इन्फिनेप ने ऐश को बेकन बैच जितवाया था। इन्फिनेप के पास बहुत सारे मूव सेट हैं, वो अपने ब्लेज की मदद से किसी भी पोकेमॉन को आउट मैच कर सकता है। नंबर 2, चैरिजार्ड। ऐश और चैरिजार्ड की दोस्ती पहले अच्छी नहीं थी, पर ब्लेन के मैगमार और जेड के पोलीवार्थ को हराने के बाद दोनों में दोस्ती की शुरुआत हो गई। तब से लेकर अब तक चैरिजार्ड ने बहुत सारे पावरफुल ओपोनेंट्स को फेस किया है और बहुत सारों को उसने हराया भी है। उसकी सबसे बड़ी जीत नोलैंड के आर्टिकूनो के खिलाफ थी। चैरिजार्ड ने गैरी की आधी टीम को हरा दिया था, जिसकी वजह से ऐश को अपने चाइल्डहुड राइवल के खिलाफ पहली विक्ट्री मिली थी। चैरिजार्ड अपनी फुल पावर से किसी भी पोकेमॉन को हरा सकता है। और नंबर 1, ग्रीनिंजा। ऐश का कोई भी पोकेमॉन मेगा इवॉल्व नहीं हुआ है, पर ग्रीनिंजा इस स्टेज को पाने के सबसे करीब आया था। इनफैक्ट ग्रीनिंजा को किसी स्टोन की जरूरत नहीं है अपने पावरफुल स्टेज तक पहुंचने के लिए। ऐश और ग्रीनिंजा बैटल के दौरान मेंटली फ्यूज हो जाते हैं, जो कि मेगा एवोल्यूशन जितना ही स्ट्रांग है। ग्रीनिंजा का विनिंग रेट लगभग 80% है, पर ग्रीनिंजा का ऐश से कनेक्शन उसे स्पेशल पोकेमॉन बनाता है, जो कि उसे ऐश की अल्टीमेट टीम के पोकेमॉन्स में टॉप पर रखने के लिए काफ़ी है। अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही लिस्ट लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।